आज अली बिन गंडापुर साहब तो निकले पिशावर से दावा करके कि वो पहुंचेंगे इस एहतजाज में, लेकिन नहीं पहुंच सके। लाहौर के जलसे के अंदर भी वो नहीं पहुंच सके थे। आइंदा के लिए अब वो ऐलान करके गए कि वो फिर आएंगे और आके अपने लीडर को डियाला जेल से रिहा करवाएंगे। क्या यही बयान उनका पहले भी वजह नहीं बना कि पिंडी के अंदर रुकावटें इतनी खड़ी करनी पड़ी इंतजामिया को? तो उसकी इंटरप्रिटेशन लेना जी, आप उसको इंटरप्रिटेशन लें। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं जो जेल तोड़ के ले जाऊंगा। रिहा कराने का मकसद यही है कि हम पब्लिक प्रेशर इतना डेवलप करेंगे और ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को इस तरीके से अपने साथ शामिल करेंगे कि ये हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी और जो जाली मुकदमात हैं वो इनको खत्म करने पड़ेंगे। इट इज टू डेवलप द पब्लिक प्रेशर। ये बड़ा वाजे है और बड़ा क्लियर है। ये कोई जेल तोड़ने की खुदा ना खासा धमकी नहीं थी। छुड़ाएंगे, पब्लिक प्रेशर डेवलप होगा, ये जो झूठी फसताई हुकूमत है इनको अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। एहतजाज शुरू हो गया है, इस एहतजाज का दायरा बढ़ता जाए।